Assalamu alaikum everyone, we are back after a very 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 long break. Today we're going to start chapter number 6, solutions. In this video we'll be covering section number C, detailed questions. Hamare paas abhi 6 questions hai that we'll be covering in this video. Question number 1, describe how to prepare dilute solution from concentrated solution. यानी कि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को किस तरह से डाइल्यूट किया जा सकता है, उसके प्रिपरेशन का हमें तरीका समझाना है. टेक्निकली जो हमें कंसंट्रेशन लो करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन द लेबोरेटरी, क्योंकि हमें यूजुअली जो सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वो एसिड बेस हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको हमें डाइल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में हमें डिफरेंट मोलर सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है. तो मैथमेटिकली जो हम लोग तरीका इस्तेमाल करते हैं टू डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट इज m1v1 इज इक्वल्स टू m2 टाइम्स v2. इस फॉर्मूला के अंदर जो m1 है वो है मोलैरिटी ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी जो से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में गिवन है उसकी मोलैरिटी m1 है, और उसी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो v1 कंसिडर किया जाता है. इस तरीके से जो हमें डाइल्यूट जितना हमें चाहिए होता है उसकी मोलैरिटी m2 कहलाती है, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें बनाना है उसका भी वॉल्यूम v2 कहलाता है. अब इसके एग्जांपल देखते हैं. लेट सपोज हमें एक सॉल्यूशन गिवन है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का, दैट इज 2 मोलर, और हमें जो एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरत है वो है 0.4 मोलर, और हमें 100 ml सॉल्यूशन चाहिए. यानी एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 100 ml की ज़रूरत है, और उसकी जो डाइल्यूट फॉर्म में वो 0.4 मोलैरिटी तक होना चाहिए. तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का 0.4 है, तो यहाँ पे हमने 0.4 टाइम्स 100 जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो यहाँ पुट कर दी. इसी तरीके से 2.0 मोलर का जो हमें मैग्नीशियम सल्फेट गिवन था वो यहाँ पुट कर दिया हम लोगों ने. फिर मैथमेटिकली हम लोगों ने जब जगह एक्सचेंज किया तो उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन आखिर में निकला दैट इज़ 20 cm³. उसका मतलब ये है कि अगर हम 20 cm³ के हिसाब से 2 मोलर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग तकरीबन 100 cm³ पानी मिला देते हैं तो हमें 0.4 मोलैरिटी का सॉल्यूशन मिल जाता है, जो डाइल्यूटेड फॉर्म होता है. तो यानी कि इस फॉर्मूले के तहत हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी. हाउ डज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिसॉल्यूशन. सॉल्युबिलिटी क्या है और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किस तरह से डिसाइड करता है कि कोई भी चीज़ कितना डिसॉल्व कर सकता है. सबसे पहले देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है. सॉल्युबिलिटी बेसिकली किसी भी सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी होती है कि 100 ग्राम्स के अंदर वो अपने अंदर कोई भी चीज़ कितना डिसॉल्व कर सकता है. यानी हमें सॉल्वेंट का 100 ग्राम फिक्स गिवन है, उस चीज़ के अंदर कितना नमक डिसॉल्व हो सकता है, कितना शुगर डिसॉल्व हो सकता है, कितनी कोई भी चीज़ कितनी भी डिसॉल्व हो सकती है, दैट इज़ नोन एज सॉल्युबिलिटी. अब नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे असर करता है, वो डिपेंड करता है कि अगर एक पोलर सॉल्यूट ले रहे हैं तो पोलर सॉल्वेंट कितना डिसॉल्व होगा, इसी तरीके से अगर नॉन पोलर सॉल्यूट ले रहे हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कितना वो डिसॉल्व हो रहा होता है. ठीक है, तो यानी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक का रूल यहाँ पे अप्लाई किया जाता है. यानी बेसिकली अगर आप नॉन पोलर को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जबकि अगर आप नॉन पोलर को पोलर में या पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कम डिसॉल्व होगा या बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा. तो ये पूरा जिसका जो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है कि वो पोलर है नॉन पोलर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है. आप जितना भी स्टेयर कर लें या तो बहुत ही कम डिसॉल्व होगा या फिर ना होने के बराबर ये डिसॉल्व होगा. स्टीयरिंग के बावजूद, हीटिंग के बावजूद, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लें, इट विल आइदर डिसॉल्व वेरी लेस अमाउंट और इट विल डिसॉल्व नथिंग एट ऑल. अब क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछ रहा है दैट व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यानी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्ट की वो इंक्रीज क्यों हो जाती है. बेसिकली ये होता है कि सॉल्ट अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वैसे ये दोनों जो हैं नॉन पोलर हैं, तो ये दोनों आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ठीक है, लेकिन हम लोग उसको हीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि वाटर के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. तो इसकी वजह से हीट की वजह से क्या होता है
के जो सॉल्ट के बीच में, सॉल्ट के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हुई हुई है वो भी अफेक्ट हो रही होती है, यानी कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है NaCl के बीच में, वो ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाता है जिसके वजह से वो ज़्यादा ज़्यादा डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसलिए नॉर्मली जब भी हम लोग हीट देते हैं किसी सॉल्यूशन को तो उसमें और ज़्यादा डिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द अट्रैक्शन ऑफ NaNCl आयंस टू वाटर मॉलिक्यूल्स। जब वाटर के अंदर हम NaCl यानी नमक को डिसॉल्व करते हैं तो जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस, वो क्या किस टाइप के अट्रैक्शन पैदा करते हैं? तो जो सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डालते हैं तो आसानी से डिसॉल्व जाता है। सबसे पहले इस वजह से क्योंकि दोनों जो है नॉन पोरस सॉल्वेंट एंड नॉन पोरस सोल्यूट है। इसके अलावा क्या होता है कि वाटर का जो नेगेटिव एंड होता है यानी कि जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है वो सोडियम को अपनी तरफ खींच रहा होता है, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है यानी हाइड्रोजन वाला जो पार्ट होता है वो क्लोरीन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। बिकॉज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट किए जाते हैं यानी मैग्नेट की तरह, जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनके बीच में सोल्यूट और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन टाइप ऑफ पैदा होता है। सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन मतलब कि जो वाटर का पॉजिटिव पार्ट है वो उसके नेगेटिव पार्ट को, सॉल्ट के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो वाटर का नेगेटिव पार्ट है वो सॉल्ट के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शन कहलाता है। तो इस वजह से जो इनकी इंट्रैक्शन होती है वो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी विद रेफरेंस टू द लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल। अब लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल जो है यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर बहुत कॉमन है, तो इसके प्रिंसिपल को, इस लॉ को यूज करते हुए वी हैव टू एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी। ये अब इस सॉल्युबिल लाइक डिसॉल्व लाइक का बेसिकली मतलब ये है कि अगर दो चीज़ें सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रखते हैं, लाइक पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, तो वो आपस में आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं, यानी पोलर पोलर में आसानी से डिसॉल्व हो सकता है और नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर। तो इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो आयनिक एंड पोलर सोल्यूट होते हैं वो पोलर के अंदर आसानी से डिसॉल्व जाते हैं, लाइक शुगर या अल्कोहल दोनों पोलर हैं तो वाटर भी पोलर है तो ये आसानी से डिसॉल्व जाता है। इसी तरीके से जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर आसानी से डिजोल्व जाते हैं, यानी कि ऑयल और पेंट्स जो हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते क्योंकि वो पोलर होता है वाटर, तो ये एथर के अंदर आसानी से डिसॉल्व जाता है। इसी तरीके से जो वैक्सेस एंड फैट्स हैं ये बेंजीन में आसानी से डिसॉल्व जाता है क्योंकि सब जो है नॉन पोलर्स होते हैं। इसी तरीके से जो नॉन पोलर होता है वो पोलर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, एंड जो पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता, यानी आप ऑयल को जितनी भी कोशिश कर लें वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि इन दोनों की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो डिफरेंट हैं। ऑयल के डिफरेंट है, वाटर के डिफरेंट है, ऑयल पोलर है और वाटर नॉन पोलर है। तो इस डिफरेंसेस के वजह से कहा जाता है केमिस्ट्री के अंदर दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इन सॉल्यूशन, तो इन तीनों में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, जबकि सस्पेंशन के 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। कोलोइड वेरिएबल साइज का होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होता है, यानी पहली बार जिनके जो पार्टिकल डिजॉल्व हो रहे हैं उनमें डिफरेंस आता है। सेकेंडली जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियसली डिजॉल्व जाता है, यानी कि आपको पूरे सोल्यूशन के अंदर सेम कलर नजर आएगा। लाइक आप वाटर के अंदर जब आप चीनी को मिक्स करेंगे तो आपको पूरे वाटर के अंदर ट्रांसपेरेंट कलर ही नजर आएगा, जो वाटर के अंदर अगर आप इंक को थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे तो पूरा कलर जो कलर होगा वाटर का वो इंक के कलर से मैच करेगा, यानी आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। जबकि सस्पेंशन में क्या होता है कि इसका हेट्रोजीनियस होता है, लाइक वाटर के अंदर ऑयल ऑयल डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपको ऑयल है वो सेपरेट नजर आएगा और वाटर सेपरेट नजर आएगा, तो इसके अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी आपको नजर नहीं आएगी। तो सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। अब कोलाइड को देख लेते हैं, कोलाइड के अंदर आपको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों आपको एबिलिटी नजर आएगी। एग्जाम्पल ले लें स्मोक की, आप कोई धुआं देखेंगे तो आपको उसमें नजर आएगा कि उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी यानी कलर उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाएंगे तो आपको अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स या डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स नजर आएंगे आपको स्मोक के अंदर। तो यानी कि अगर आप बगैर माइक्रोस्कोप के देख रहे हैं और सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजीनियस एबिलिटी नज़र आ रही है, क्वालिटी नज़र आ रही है उसके अंदर हाइड्रोजीनियस की, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कोलोइड कहते हैं। जो सोल्यूशन है उसकी जो पार्टिकल्स हैं उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक से हम देख सकते हैं बट विदाउट माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल दिया पानी और के अंदर आप मिट्टी मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर के बाद जो है मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है तो आपको ऐसे ही बगैर माइक्रोस्कोप के नज़र आता है। अब कोलोइड के जो पार्टिकल्स हैं उनको भी जो है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। सोल्यूशन क्लियर ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस होता है, जबकि जो सस्पेंशन होता है वो क्लाउडी होता है, यानी कि उनमें डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, और जिस कोलोइड होता है उसके अंदर भी जो है वो क्लाउडी होता है। जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट या फिर कलर्ड हो सकता है, यानी कि अगर आप लेट्स सपोज पानी के अंदर आप टीवैक डाल लेते हैं तो वो कलर्ड हो जाता है, या पानी के अंदर आप कोई सॉल्ट मिक्स कर लेते हैं तो फिर वो ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन आपको यूनिफॉर्म कलर्स नज़र आएंगे। जबकि जो सस्पेंशन है वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, लाइक अगर आप पानी के अंदर मिट्टी मिक्स कर रहे हैं थोड़ी देर के बाद जब पानी जो है जब मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है तो जिस जगह पे पानी मिट्टी थोड़ा सा मिक्स हुआ होता है तो वहाँ से आपको धुंधला नज़र आता है तो ट्रांसलूसेंट होता है। जबकि जो कोलोइड होता है वो बिल्कुल ओपैक होता है और कभी कभी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, लाइक आप लोशन ले लें या शैम्पू एग्जाम्पल ले लें वो आपको ओपैक नज़र आएगा। सोल्यूशन को सेपरेट जो है मुश्किल से किया जा सकता है, ठीक है, और जो सस्पेंशन है उसको भी जो है सेपरेशन जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन जो कोलोइड होते हैं उनकी सेपरेशन है बहुत इजी हो जाता है। जो सॉल्यूशन है उसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई सॉल्यूशन ले लें और उसमें से लाइट पास करें, लाइक आप टॉर्च की लाइट लगा लें तो लाइट आसानी से क्रॉस आउट हो जाती है, फैलती नहीं है, तो उस इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो सॉल्यूशन जो है उसके अंदर लाइट जो होती है वो फैलती नहीं है, सस्पेंशन है उसके अंदर थोड़ी लाइट थोड़ी हद तक फैलती है, लेकिन जो एक्चुअल टिंडल इफेक्ट नज़र आता है वो कोलोइड के अंदर नज़र आता है। अगर आप सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स मिक्स हुए हुए हैं वो फिल्टर पेपर को क्रॉस करते हुए नीचे वाटर के साथ नीचे आ जाएगी, क्योंकि सस्पेंशन के अंदर जो आपने पार्टिकल मिक्स किया हुआ है वो फिल्टर पेपर से रोक दिया जाता है, यानी फिल्टर पेपर उसको आगे क्रॉस करने नहीं देता। कोलोइड के अंदर भी वो पास नहीं हो पाती। और यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज़।